हाय हेलो नमस्कार, मुझ जशन आपको स्वागत करुच्छी बिगिन चैनल को। तो आज आप गोटे इंटरेस्टिंग भिडियो नहीं आज थी कि आपने जापर विभिन्न प्रकार नर्सिंग कोर्स आपण मैंने एम्स केमी एडमिशन करेंगे। तो आप एम्स जदि बीएससी नर्सिंग करा चाहते कि पोस्ट बीएससी कि एमएससी नर्सिंग जो नर्सिंग कोर्स करने चाहते तो आपति कौन करेंगे आ 2022 आमर मानने शीघ्र स्टार्ट हो तो केबे स्टार्ट होची सेटा भी देखि नंतु। तो वीडियो को लास्ट देखु आपण मैंने वीडियो में यह सब रिलेटेड सब डाउट आपंकर क्लीयर हो तो मुझे आपको देखेद। तो आप जो आम रहा मेन पेज रहा जोटाक तो आप क्रोम को जाकर एम्स खाली सर्च करदे भी तार यही मेन पेज को आप पलि आसवे देन ए पेज को पलि आसला आपको मुझे देखे दूँ आपको कौटी जा देखा पड़ो आप डेट ये जो दे की डेट्स तो आपड़ ये 2022-23 गोटे की डेट देखिपर के कौन एग्जाम आमर हो एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग विभिन्न नर्सिंग एग्जाम पर तो देखि नि की डेट्स आपने क्लिक कलापर आपणकर ओपन हो गए टेंटेटिव कैलेंडर जोटा कि आमर 2022-23 किसी जो आम एग्जामिनेशन अच्छी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ताको कंडक्ट करने ठीक अच्छे। बीएससी नर्सिंग देखि नि 2022-23 बीएससी नर्सिंग के प्रकाश पाया तार एंट्रेंस एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम होगा जामर 4 जून 2022 ठीक अच्छे। तो पूर्व आमको अप्लाई भी करा आसी से फर्म फर्म सब आसी से फर्म फर्म आसे मुझे आपको निश्चय अपडेट करदेवी जमा भी वरीड होबार ना। जल्दी जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर रखि था तो देखि आपंकर रिजल्ट नोटिफिकेशन भी बाहर 13 जून में तो आम जो सब रहा काउनसलींग प्रोसेस आपंकर भी बहुत शीघ्र स्टार्ट हो ठीक अच्छे। तो आपति बीएससी नर्सिंग कोर्स देखिले ये आ अलग कोर्स भी देमती रहा पारामेडिकल कोर्स भी आपण देखिपर तो एमएससी नर्सिंग कोर्स भी तापर पीबीबीएससी भी देदेगी आपठी सब कोर्स देखिपारे ठीक अच्छे। तो आपठ प्रिपेयर हूँ जमीक फर्दर जो आम ए एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आसो तो आपति भलसे प्रिपेयर होते हैं एम्स आपने नर्सिंग कोर्सेस किसी करेंगे आईटा हूँ एम्स नर्सिंग कोर्सेस मैंने गोटे हूँ बड़ अपॉर्चुनिटी तो ये बहुत पिला बहुत दिन ठूँ भी प्रिपेयर होता तो आप निश्चय एबू प्रिपेयर हो जातु मे भी आपको एंट्रेंस एग्जाम किसी हेल्प कर ठीक अच्छे। तो आपको कहीदेव डिटेल्स आपंकर केमी कौन एग्जाम पैटर्न रुए किमी कौन सिलेबस रुए तो एम्स तो देखु तो आपंकर सिलेबसटा कौन रोक एम्स देखि नि तो सिलेबस आपंकर मेनली रेन्थ आ प्लस टू टेन्थ प्लस टू रोकोसी भी रु सिलेबस आम टेन्थ प्लस टू रु आस बीएससी नर्सिंग आंतु पीबीबीएससी एमएससी नर्सिंग आम मानने जेएनएम आसो तो देखि नि तो बीएससी नर्सिंग आम टेन्थ प्लस टू रहा भी सब रहा आस तो कौन कौन सिलेबस रुक देखे दूसरी। तो आपंकर बीएससी नर्सिंग आम यही 4 सब्जेक्टर एग्जाम होगा जाए एंट्रेंस एग्जाम यही सब क्वेश्चन आसो ए रिलेटेड तो आप देखिपारे फिजिक्स 30 केमिस्ट्री 30 बायोलोजी 30 जनरल नॉलेज जोड़ा रहा जीके 10 तो आम समुदाय 100 मार्क क्वेश्चन रोक से तो देखि तो आप रिलेटेडली प्रिपेयर हूँ जमीक आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे एपंकर रोक देखि नि आपर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर रोटा कि आमर बीएससी नर्सिंग तो ईच क्वेश्चन विल कैरी गोटे मार्क तो आम गोटे मार्क गोटे क्वेश्चन तो द क्वेश्चन पेपर विल बी फॉर द मैक्सिमम 100 मार्क तो 100 मार्क आमको एग्जाम देवाक पड़ो आ नेगेटिव मार्क ये अच्छे देखि नि थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट कि गोटे तीन टा भूल आम गोटे मार्क कटो ठीक अच्छे। तो आपको से भी ध्यान देवाक पड़ो जमी भलसे प्रिपेयर हूँ एबार तो एग्जाम ड्यूरेशन आम 2 घंटा ठीक अच्छे। तो यहाँ आम सीबीटी हुए मैंने ऑनलाइन मैंने ऑनलाइन आमको एग्जाम देवाक पड़े तो आपड़ जब बीएससी नर्सिंग करने चाहते तो आपड़ देखि नि बायोलोजी ये टॉपिक सब प्रिपेयर हूँ जमीक आम द रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लासिफिकेशन ऑफ बायोनोमियल एंड नोमिनल तो आपड़ मैंने सब रिलेटेड देखि नि आप जो सेल थ्योरी बायोलोजी ये सब प्रिपेयर हूँ देन आम केमिस्ट्री देखूँ तो केमिस्ट्री आम रहा केमिकल काइनेटिक्स आम रहा प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पॉलीमर्स सॉलिड स्टेट ये सब की पॉइंट आपड़ ये फॉलो कले आप निश्चिंत मैंने एग्जाम सब क्वेश्चन पाइबे ठीक अच्छे। देन आपर जमीक रहा फिजिक्स फिजिक्स देखि नि फिजिक्स रहा कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और डुअल नेचर ऑफ मैटर करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सब रिलेटेड ही आम क्वेश्चन आसो देन जीके रहा करंट अफेयर जियोग्राफी साइंटिफिक रिसर्च आमर हिस्ट्री आ जनरल पॉलिसी ठीक अच्छे। तो ये रिलेटेड भी आम आस तो यही 4 सब्जेक्ट को आपण मैंने प्रिपेयर हूँ भलसे तो आम बायोलोजी केमिस्ट्री फिजिक्स जीके ठीक अच्छे। बीएससी नर्सिंग टॉपिक रे आपण मैंने जल्दी जल्दी प्रिपेयर हूँ एबू
ତ 2025 ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥରରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ ଆଉ ନର୍ସିଂ ଏକ୍ଜାମ ଏମ୍ସରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏମ୍ସରେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଟୋଟାଲ କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି ନା ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ଅଛି 851ଟି ଠିକ୍ ଅଛି 851ଟି ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା 12ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମର ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ତ ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଲା ଏମ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏମ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୋପାଳ ଠିକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୋପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେନ୍ 4ରେ ଦେଓଗଡ଼, ଯୋଧପୁର, ନାଗପୁର, ପାଟନା, ରାୟପୁର, ଋଷିକେଶ, ଗୋରଖପୁର, କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଡ ଭାଟିଣ୍ଡା। ତ ଏଇ ସବୁଠି କେତେ କେତେ କ'ଣ ସିଟ୍ ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିନେବେ। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ କେତେ ୟୁ ଆର୍ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ କ'ଣ ସିଟ୍ ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ହେବ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବେ ଆଉ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି 851ଟା ସିଟ୍ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଏଇ 2022ରେ ଯଦି ଆପଣ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମ୍ସର କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆମର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ କେବଳ ଏଥିରେ ଓନ୍ଲି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ନେସନାଲିଟି ଆପଣ ମଷ୍ଟ ବି ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍, ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 70 ଇୟର୍ରୁ ଏବଭ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି 31 ଡିସେମ୍ବର 2021 ମାନେ 22ରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ମାନେ 17 ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆମର 10th+2 ଏକ୍ଜାମ୍, ଆପଣ 10th+2 ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବେ। ଦେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆପଣ ଯେମିତି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର PCB ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଫିଜିକ୍ସ, ବାୟୋଲୋଜି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି PCB ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ନେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ 10+2 ସିଷ୍ଟମରେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ଆପଣ PCBରେ ଆପଣ ଯେମିତି 55% ରଖିଥିବେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆଉ SC ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ 50% ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ PCBରେ 55% ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ପାଟର୍ନ ହେବ, ଆଉ କେବେ କେବେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2022ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଯାଇକରି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।